नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप परमार और आप देख रहे हैं डीजे शक्ति। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा जो प्रोटोन का RX 3000 एम्पलीफायर आता है उसको ब्रिज मोड में कैसे करते हैं, फिर उसका जो है वायरिंग कैसे किया जाता है ब्रिज मोड का, फिर जो है स्पीकोन लगाते हैं तो उसमें भी किस तरह से ब्रिज मोड का वायरिंग किया जाता है, और उसके बाद ये जो एम्पलीफायर है वो कितने ओम्स पर कितना वोट जो है निकालता है और कितने स्पीकर हम जो इसमें लगा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और इसके अलावा हम इसकी जो है टेस्टिंग भी करेंगे। जी हाँ, तो ये वीडियो को यार एकदम जो है एंड तक देखना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारी चैनल डीजे शक्ति को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जो है प्रेस कर देना। अभी ये बेल के आइकन को आप जो है प्रेस करेंगे तो आपको जो है जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जो है प्रेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं एम्पलीफायर की ओर और करते हैं ब्रिज मोड का वायरिंग और टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा NX ऑडियो का प्रोटोन RX 3000 एम्पलीफायर, और ये है एम्पलीफायर की बैक साइड। तो यहाँ पर अभी हम नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एम्पलीफायर जो है वो स्टीरियो मोड में है। तो ये स्विच जो है बीच में है स्टीरियो के ऊपर, तो ये स्विच को हमें ब्रिज के ऊपर लेना है। तो चलिए मैं ये टेस्टर से ये स्विच को जो है इस साइड जो है कर लेता हूँ। तो ये स्विच जो है हमें ब्रिज के ऊपर ले लेनी है। तो अभी हमारा एम्पलीफायर पूरा का पूरा एक हो चुका है, क्योंकि ब्रिज मोड में पूरा एम्पलीफायर एक हो जाता है और उसके बाद जो है ये प्रॉपरली ब्रिज हो गया। अभी बात करते हैं इसके वायरिंग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग के लिए दो सॉकेट हमें देखने को मिल जाते हैं। ये हो गई हमारी चैनल ए यानी कि चैनल 1, ये हो गई हमारी चैनल बी यानी कि चैनल 2। तो यहाँ पर वैसे डायग्राम दिया ही हुआ है, तो मैं दोनों ही आपको जो है सिखा दूंगा कि स्पीकोन में से किस तरह से वायरिंग करना है ब्रिज का, और ये सॉकेट में से किस तरह से करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ब्रिज हो गया, ठीक है। वैसे हम पैरेलल या फिर स्टीरियो में जब भी लगाते हैं तो इसमें हम एक बेज लगाते हैं और इसमें दूसरा बेज लगाते हैं, लेकिन ब्रिज में ऐसा नहीं होता। ब्रिज का कनेक्शन मतलब ब्रिज का जो वायरिंग है वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिज जो है लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये जो दो है, ठीक है, ये बीच में जो रेड दिए हुए है, चैनल 1 का रेड और चैनल 2 का रेड, तो ये जो चैनल 1 का रेड है उसमें हमें जो है प्लस यानी कि हमारा जो पॉजिटिव है वो वायर इसमें लगाना है। जो स्पीकर का हमने वायरिंग किया वो तो हम जिस तरह करते हैं उसी तरह से करना है, लेकिन एम्पलीफायर में हमारा जो वायरिंग है वो अलग हो जाता है ब्रिज मोड में। तो यहाँ पर जो है हमारा जो प्लस आएगा वो चैनल 1 के प्लस में जो है जाएगा, ठीक है, और जो चैनल 2 का जो ये प्लस है उसमें हमारा नेगेटिव जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव का जो है डायग्राम दिया गया है, तो जो चैनल बी है उसका ये जो प्लस है उसमें जाएगा हमारा नेगेटिव वायर, और जो चैनल 1 का ये जो रेड है उसमें जाएगा हमारा पॉजिटिव वायर। और स्पीकोन में किस तरह से वो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस 1 और 2 प्लस। तो जो स्पीकोन में हम जो है बेसिकली किस तरह से कनेक्शन करते हैं, प्लस 1 में हमारा पॉजिटिव लगाते हैं और 1 माइनस में हमारा नेगेटिव। तो जो हमारा स्पीकोन होता है उसमें आपको क्या करना है, 1 प्लस में जो है अपना जो पॉजिटिव वायर है वो लगा देना है, और जो 2 प्लस होता है उसमें हमारा जो नेगेटिव वायर होता है वो लगाने लेना है, ठीक है। बाकी जो स्पीकर में वायरिंग होता है वो तो जो है रेगुलर ही होगा, लेकिन स्पीकोन में आपको जो है इस तरह से वायरिंग कर देना है, और स्पीकर का वायरिंग तो आपको रेगुलर ही करना है। तो स्पीकोन में 1 प्लस में पॉजिटिव, 2 प्लस में नेगेटिव, तो इस तरह से आपको वायरिंग करना होता है। तो उसके फोटोज़ भी आपने जो है देख लिए होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी इसका करते हैं वायरिंग और उसके बाद टेस्टिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। तो अभी इसके ओम्स की बात करें तो ये 8 ओम पर 1500 वोट निकालता है। तो आप इसमें एक 1500 वोट का बेज आराम से चला सकते हैं। अगर इसमें ब्रिज मोड में 4 ओम की बात करें तो ये 4 ओम ब्रिज मोड में 2300 वोट निकालता है। तो आप इसमें अपने 2000 वोट के बेज चला सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर टेस्टिंग में 2 बेज 1000 वोट के ही लगाए हैं, तो आपको टेस्टिंग सुन के एक अंदाज़ा आ जाएगा। तो ये एम्पलीफायर वैसे ज़्यादातर लोग
टॉप में इस्तेमाल करते हैं, मिड में इस्तेमाल करते हैं, बेस में ये जो है उतना ज़्यादा पंच नहीं देता, लेकिन इतना भी यार बुरा एम्पलीफायर नहीं है कि बेस में नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास RX 3000 है तो आप इसे जो है बेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वायरिंग कर दिया है, और जैसे कि मैंने बताया था कि चैनल जो 1 होती है उसका जो रेड वाला होता है उसमें हमें हमारे स्पीकर का जो पॉजिटिव वायर होता है वह लगाना है, और जो चैनल 2 होती है उसमें जो रेड वाला होता है उसमें हमारे स्पीकर के वायर का जो नेगेटिव होता है वो यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो आप आसान भाषा में याद रखिए, जो चैनल ए है उसका रेड है उसमें स्पीकर का पॉजिटिव लग जाएगा, और जो चैनल बी है उसका जो रेड है उसमें स्पीकर का नेगेटिव वायर लग जाएगा। तो ये हमारा वायरिंग जो है ब्रिज मोड में हो चुका है। और अभी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कनेक्शन की बात करें तो जो भी यार मिक्सर में से हमारा आउटपुट आएगा वो यहाँ पर चैनल 1 में ही इनपुट होगा। ठीक है, चैनल 1 के इनपुट में ही आपको लगाना होगा। अगर आप चैनल 2 के इनपुट में लगाओगे तो आपका स्पीकर बजेगे नहीं, क्योंकि ब्रिज मोड में पूरा का पूरा एम्पलीफायर एक हो जाता है, और मिक्सर में से जो भी आउटपुट आता है वो आपको चैनल ए में ही इनपुट करना है। तो चलिए अभी इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो हमने यहाँ पर मिक्सर को रख दिया है और उसमें से आउटपुट निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर पड़ा है, तो चलिए यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चैनल 1 में आपको इनपुट करना है, तो आप यहाँ पर XLR भी लगा सकते हैं और जैक का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल ए के इनपुट में ही आपको लगाना है। और यहाँ से वायरिंग निकल कर हमारे दो बेज में जा रहा है, और ये अभी एम्पलीफायर 4 ओम्स पे वर्क करेगा, क्योंकि दो बेज हमने यहाँ पर लगाए हैं, तो 8+8 जो है 4 ओम हो जाता है। ठीक है, तो 4 ओम में ये 2300 वाट निकालता है, तो ये दोनों हमारी बेज 1000-1000 वाट की हो गई, तो ये दोनों बेज आराम से चल जाएगी। तो चलिए अभी इसका टेस्टिंग करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारी चैनल डीजे शक्ति को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जो है प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप रखना अपना ख्याल। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।